गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। क्या बताऊं दिल का हाल कौन मानता है, क्या बताऊं दिल का हाल कौन मानता है, और सारा शहर हमें राजा मिश्रा के नाम से जानता है। दोस्तों, आज मैं आपको इंजीनियर्स डे के बारे में, यानी इंजीनियर्स डे पे एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके लिए ये विशेष प्रस्तुति मैं दे रहा हूँ, जिसके तहत आप ये यदि पूरा वीडियो देखोगे तो, और यदि आप इंजीनियर हो या आपके जान पहचान में कोई इंजीनियर है या आपके घर में कोई इंजीनियर है, तो आपका छाती जो है ये फूल करके 72 इंच यानी 72 इंच का हो जाएगा कि वाकई ये इंजीनियर है। दोस्तों, आज इंजीनियर्स डे है यानी अभियंता दिवस, 15 सितंबर, आज 15 सितंबर 2017 है। और आज के दिन हम हमारे भारत के सबसे प्रथम इंजीनियर मोक्ष गुंडन विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के रूप में इस दिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाने का मतलब है कि ये जो दिन है उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में हम सभी अर्पित करते हैं। मोक्ष गुंडन विश्वेश्वरैया एक सिविल इंजीनियर थे और उन्हें अपने कार्य के क्षेत्र में उन्होंने इतनी अच्छी प्रगति की थी कि उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1955 ईस्वी में। भारत रत्न किसी साधारण व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता मित्रों, वो भारत के किसी वैसे ही विशिष्ट व्यक्ति, यानी ऐसा कहूं तो वो भी किसी रत्न को ही प्राप्त होता है जो अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है, यानी उससे सर्वश्रेष्ठ कोई ना हो, यानी वो रत्न जो है वो भारत रत्न कहलाता है, जो कि विश्वेश्वरैया को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, आज के वक्त में दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, हर जगह आपको इंजीनियर दिखाई देगा, यानी हर क्षेत्र में इंजीनियर का हाथ होता ही है। समाज के विकास में सबसे बड़ा योगदान यदि आज किसी का है तो वो इंजीनियर का है। किसी भी समाज को यदि विकास चाहिए, किसी भी देश को विकास चाहिए, तो सबसे पहला चीज है कि उसे टेक्निकल नॉलेज उस देश के, उस समाज के सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए, यानी होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ है समाज के विकास में। इस टेक्निकल नॉलेज के कारण समाज के लोगों का एक दृष्टिकोण भी बदलता है, कुछ भी देखने के प्रति उनका नजरिया भी बदलता है। दोस्तों, पिछले दशक की यदि बात करूं और इस दशक की यदि बात करूं, तो आप ऐसा अनुभव कर सकते हो कि पिछले दशक के अनुसार इस दशक में बहुत ही तेजी से विकास हुआ है, यानी विकास जो है सो अपने चरम सीमा पे है, तेजी से तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। और इन सभी का श्रेय दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी जो हो रहा है, कुछ भी अच्छा काम, कुछ भी विकास जो हो रहा है, उन सभी का श्रेय आप सभी इंजीनियर को जाता है, दुनिया के सभी इंजीनियर को जाता है। इसलिए मैं एक बार जोरदार तालियां दुनिया के सभी इंजीनियर के लिए बजाना चाहता हूं। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हो कि यदि आप किसी को कहोगे, आम आदमी को, कि विकास हुआ है और बहुत तेजी से और कई गुना ज्यादा विकास हुआ है, तो वो कहेगा क्या विकास हुआ हमें बता, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे तो पता नहीं। मुझसे भी एक बंदे ने कहा, तो मैंने कहा देख, अभी मैं एक जगह पे स्पीच दे रहा था आज इंजीनियर्स डे के दिन ऑडिटोरियम में, एक कॉलेज है जयपुर का कौटिल्या कॉलेज, उस कॉलेज में जहाँ पर मैं, कई लोग बैठे हुए थे, मुझसे यही प्रश्न पूछा गया कैसे मान लूँ कि विकास हुआ है। मैंने कहा ठीक है सीमंत, आप सभी के हाथ में अभी एक स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये एक टेलीफोन हुआ करता था, 10 साल पहले ये एक मोबाइल फोन हुआ जिसके तहत आप सिर्फ बात कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। उससे पहले टेलीफोन था जिसके तहत सिर्फ आप बात कर सकते थे, मैसेज नहीं कर सकते थे, यानी किसी का आवाज सुन सकते थे, किसी को कुछ कह सकते थे, उसको देख नहीं सकते थे। उसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद आया स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के बाद आया एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड फोन के जरिए आज आप किसी को देख भी सकते हैं, उसके आमने सामने जैसे आप आज हमसे बात कर रहे हो, वैसे आप उससे भी बात कर सकते हो, उसके बारे में सब कुछ समझ सकते हो, उसके चेहरे के भाव को देख सकते हो, वो जो बात कर रहा है क्या वो सही में आपसे बात कर रहा है, वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सब कुछ आप आमने सामने देख करके, उसके चेहरे को भाव को देख करके समझ सकते हो। तो क्या ये विकास नहीं कि आप 15 साल पहले एक छोटा सा टेलीफोन यूज करते थे, वो भी बहुत कम लोगों घर में हुआ करता था। 15 साल के बाद यानी 10 साल पहले आप एक छोटा सा मोबाइल फोन यूज करते थे
जिसके तहत आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेज और फोन कॉल कर सकते थे, सिर्फ किसी का आवाज सुन सकते थे। उसके बाद आपके हाथ में स्मार्टफोन आया जिसके तहत आप किसी को ऑडियो वीडियो फोटोज कुछ भी भेज सकते हो, ले सकते हो, देख सकते हो किसी का भी। क्या ये विकास नहीं? उसके बाद स्मार्टफोन के बाद एंड्रॉयड फोन आया, 3G आया, 4G सर्विस आया जिसके तहत आप आमने सामने किसी से बात कर सकते हो, उससे उसका चेहरा देख सकते हो, उसकी आवाज ये दोनों सुन सकते हो। क्या ये विकास नहीं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। दोस्तों, अब मैंने ये बता दिया कि आखिर इंजीनियर्स डे क्यों मनाते हैं, क्या विकास हुआ इस सब के बारे में। आखिर अब प्रश्न उठता है एक कि इंजीनियर कौन है, क्या है इंजीनियर? क्या जो बीटेक कर रहा है सिर्फ वही इंजीनियर है और कोई इंजीनियर नहीं? जी नहीं दोस्तों, इस दुनिया का, इस देश का हर एक व्यक्ति इंजीनियर है। जो भी इस दुनिया में कुछ नया करने की सोचता है, जो भी कुछ नया करता है, कुछ भी क्रिएट करता है, वो सब के सब इंजीनियर है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि जिसके पास बीटेक की डिग्री है वही इंजीनियर है, जिसके पास मास्टर डिग्री है यानी एमटेक की डिग्री है वही इंजीनियर है। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी इस दुनिया में कुछ भी नया क्रिएटिव चीज का खोज करता है, बनाता है, वो सब के सब इंजीनियर है। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठती है कि इंजीनियर का क्या महत्व है आपके जिंदगी में। लाखों इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं, परंतु क्या उन सभी को एक प्रॉपर वे में जिंदगी जीने का भरोसा आप दे सकते हो? क्या उन सभी को एक अच्छी जॉब मिल रही है? क्या वो सभी अपना जीवन यापन अपने बलबूते पे कर पा रहे हैं? ये भी एक प्रश्न उठता है। इसके भी उत्तर में यही कहूंगा, महत्व की बात है तो इंजीनियर का महत्व आज हमारे जीवन में सबसे अधिक है, यानी हमारे जिंदगी के हर क्षेत्र में इंजीनियर है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो भी आप करते हो उन सभी में इंजीनियर घुसा हुआ, यानी आपके हाथ पर में हर वक्त इंजीनियर बैठा हुआ है। सब कुछ इंजीनियर के अनुसार ही आप कर पा रहे हो, उसके भरोसे ही आप कर पा रहे हैं। अब बात यह आती है कि हर साल लाखों इंजीनियर निकल रहे हैं हमारे देश से, हमारे कॉलेज से, परंतु उनमें से क्यों नहीं सभी को जॉब मिल पा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, सबसे पहली बात तो कितने प्रतिशत लोगों को जॉब मिल पा रही है। इस साल के गणना के अनुसार मात्र 20 से लेकर के 33% जो लोग हैं सिर्फ उनको अपने बलबूते पे जॉब मिल रही है। यानी आप यदि ये प्रोस एवरेज मानो तो आप ये कह सकते हो कि 30% लोग, 30% जो लोग हैं उन्हें अपने बलबूते पे जॉब मिल रही है, परंतु 70% जो लोग हैं उनका क्या, उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही? इंजीनियर तो आखिर वो भी है, उन्होंने तो बीटेक किया, फिर क्या कारण है कि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा? दोस्तों, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि आज जो हमारा बीटेक हो रहा है, एमटेक हो रही है हमारे कॉलेज में, वो बीटेक एमटेक सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से आप फर्स्ट क्लास से यानी स्टैंडर्ड 1 से 10 तक पास करते हो, सिलेबस पढ़ते हो, ठीक आज बीटेक भी एक वहीं पे आके सीमित हो गया है। यानी ये बुक खोलना है, सिलेबस देखना है और जाके एग्जाम देना है, और एग्जाम यदि पास हो गए, बीटेक की डिग्री है यानी आप इंजीनियर हैं, आपके ऊपर मिड टर्म का भार है, आपके ऊपर सेशनल एग्जाम का भार है, आपके ऊपर यूनिवर्सिटी एग्जाम का भार है, यानी आपके ऊपर रिटन एग्जाम का भार है, यानी प्रैक्टिकल आपको तो कुछ भी नहीं कराया जाता, आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं दी जाती कि आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप आगे जिंदगी में। यदि आप कंपनी में जा रहे हो, और मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में, तो मुझसे पूछा गया कि तुम कौन हो, तुम्हें किस बेसिस पे मैं अपने कंपनी में रखूं। पहला प्रश्न हमसे यही पूछा गया था। मैंने कहा कि मैं बीटेक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे अपनी कंपनी में काम दे। कहा कि तुम बीटेक हो, इंजीनियर हो, परंतु मैं तुम्हें क्यों रखूँ, तुम्हें आता क्या है? मैंने कहा आने की क्या बात है, मैं बीटेक कर चुका हूँ 4 साल, मैंने वहाँ पे मेहनत की है, मैं इंजीनियर हूँ, आपके कंपनी में आऊँगा, 4 चांद लगा दूंगा, आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दें। उस बंदे ने फिर वही कहा कि तुम बीटेक भी हो, इंजीनियर भी हो, परंतु तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुमने सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई की और सिर्फ एग्जाम RTU का एग्जाम दिया और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और निकाला, और तुम इंजीनियर का डिग्री लेकर के हमारे कंपनी में आओ, यानी तुम्हें कुछ आता नहीं है टेक्निकल, तुम्हारी कंपनी में कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हें कुछ करने के लिए भी हमारे कंपनी से ही हमें ही तुम्हें कुछ सिखाना होगा, फिर तुम जाकर के कुछ कर पाओगे। मुझे ये बात सुनकर काफी दुख हुआ कि मैंने 4 साल अपनी जिंदगी का जो महत्वपूर्ण पल था वो मैंने बर्बाद कर दिया सिर्फ किताबों में पढ़ने में, मिड टर्म सेशनल एग्जाम में 70-75-80% बनाने में, जिसका आज हमारे जिंदगी में कोई महत्व नहीं रहा। दोस्तों, सिर्फ मिड टर्म देना, सेशनल एग्जाम देना, RTU एग्जाम में जाकर के, अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जाकर के 70%, 75%, 80% मार्क्स बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये आप 10th में भी बनाते थे, 12th में भी बनाते थे, और आज भी आप वही कर रहे हो। यानी आप एक इंजीनियर नहीं बन रहे हो, आप एक वही एक स्टूडेंट बन के रह गए जो 10th 12th 5 1 7 8 12 में थे, वही आप आज भी बीटेक में भी, यानी आप इंजीनियर नहीं बन पाए। दोस्तों आपको इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खराब से खराब क्या हो सकता है। आप किताबी कीड़ा कभी मत बनो। किताबी कीड़ा यदि आप बनते हो तो यानी आप समझ लो कि आपने जिंदगी को खराब कर रहे हो। आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दो, आप कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ खोज करो। यदि आप खोज नहीं कर सकते, जो किया हुआ है उसी पर में आप सर्च करो, रिसर्च करो, वो भी यदि आप नहीं कर सकते, जो किया हुआ है उसको आप सिर्फ सीखो, और वो जाकर के यदि आप जाओ कंपनी में तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। यानी ये जो 20 से 30% का आंकड़ा है वो जाकर के फिर 70-80% में पहुंच जाएगा दोस्तों। और फिर अगले बार गूगल की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से ये आंकड़ा नहीं आएगी कि 20 से 30% लोग मात्र अपने बलबूते पे इंजीनियर जो है सो जॉब ले पा रहे हैं, ये बात नहीं आएगी दोस्तों। तो मैं यही अंत में भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार चांद सितारे सूरज को मिटा सकता नहीं कोई, जिस प्रकार हवा पानी और वायु को घटा सकता नहीं कोई, जिस प्रकार बादल के घटा को बिना उसके मर्जी के घटा सकता नहीं कोई, ठीक उसी प्रकार बिना बिना इंजीनियर के इस दुनिया को चला सकता नहीं कोई। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और पसंद किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते और हिंदू धर्म के बारे में दुनिया का कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसे कहना तो नहीं चाहिए परंतु लगभग हिंदू धर्म से रिलेटेड जितना भी ग्रंथ है, पुस्तक है, उन सभी का मैंने स्वाध्याय किया, अध्ययन किया है, इसलिए मैं आपके पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। जो कि प्रतिदिन 7 से 9 के बीच में, रात 7 से 9 के बीच में एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें हिंदू धर्म से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर होता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।